वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। कई उतार चढ़ावों, वाद विवादों के बाद आखिरकार भारत और फ्रांस के बीच राफेल विमानों का सौदा अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और अब 5 राफेल विमान भारत पहुंच गए हैं। ये विमान फ्रांस से 27 जुलाई को ही चल दिए थे, लेकिन दुबई में रुकने के बाद ये बुधवार को भारत पहुंचे हैं। भारत की सेना ने अपने आपात अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए हैमर मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। फ्रांस से 7000 किलोमीटर की यात्रा करके 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने बुधवार दोपहर 3 बजे के बाद अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग की। भारत की धरती चूमने से कुछ समय पहले 5 विमानों ने भारतीय वायु सीमा के अंदर प्रवेश किया था। इसके बाद 5 विमानों को लेने के लिए वायु सेना ने 2 सुखोई विमान भेजे। इन दोनों सुखोई विमानों ने 5 विमानों को एस्कॉर्ट किया। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों की तस्वीरें और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की है। इन तस्वीरों के साथ वायुसेना ने लिखा है कि सुखोई SU-30S ने विमानों का स्वागत किया। तस्वीरों में कुल 7 विमान नजर आ रहे हैं, जिनमें से 2 विमान सुखोई हैं, जबकि 5 अन्य लड़ाकू विमान राफेल हैं। भारतीय हवाई सीमा में इन विमानों के प्रवेश के बाद रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश में सभी ने एक दूसरों समेत देशवासियों को राफेल के आने पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना की क्षमता बिल्कुल सही वक्त पर बढ़ाई गई है। उन्होंने इसके लिए खुशी भी जाहिर की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि राफेल विमान और हथियारों की वक्त पर डिलीवरी के लिए फ्रांस की सरकार और डास एविएशन को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने महामारी के वक्त भी देरी नहीं की। कुल मिलाकर भारत की सेना में अभी और ताकत आ गई है, जिसके बाद सभी देशों को भारत से डर कर ही रहना होगा। ब्यूरो न्यूज इंडिया, अब तक। ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।